अन्य धर्मों में विवाह पत्नी और पति के बीच एक प्रकार का करार होता है, जिसे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन सनातन धर्म में विवाह बहुत ही भली भांति सोचकर समझकर किया जाने वाला संस्कार है। सनातन धर्म में 16 संस्कारों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। विवाह में जब तक 7 फेरे नहीं हो जाते तब तक विवाह संस्कारपूर्ण नहीं माना जाता। न एक फेरा कम न एक ज्यादा, इसी प्रक्रिया में दोनों 7 फेरे लेते हैं, जिसे सप्तपदी भी कहा जाता है। ये 7 फेरे 7 वचन के साथ लिए जाते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है। ये 7 फेरे ही हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होते हैं। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर दो तन मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं। भारतीय संस्कृति में संख्या 7 मनुष्य के जीवन के लिए बहुत अहम होता है। एक फेरे का मतलब 360, और 360 ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर 9 तक के मेन नंबरों से डिवाइड होता है, सिवाय 7 के, क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए शादी में दूल्हा दुल्हन से अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, ताकि दूल्हा दुल्हन के रिलेशनशिप भी किसी से डिवाइड ना हो सके। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।